लगभग कुछ महीनों पहले ही एप्पल ने दुनिया के सामने अपनी M2 सीरीज मैकबुक को लॉन्च कर काफी वाहवाही लूटी थी। बट एप्पल बीइंग एप्पल, अगले 10 महीनों में ही एप्पल ने अपने नेक्स्ट जनरेशन और अभी तक के सबसे पावरफुल M3 चिप्स के साथ नए मैकबुक्स लॉन्च कर सबको सरप्राइज कर दिया, जिसमें M3, M3 Pro और M3 Max प्रोसेसर्स शामिल हैं। और हमने भी सोचा कि क्यों ना एप्पल मैकबुक प्रो M3 Max को रिव्यू कर देखा जाए कि आखिर कैसे ये दुनिया का सबसे पावरफुल लैपटॉप कहलाया जा रहा है। सबसे पहले बात करें इसके डिजाइन की, तो हमारे पास रिव्यू यूनिट 14 इंच मैकबुक प्रो M3 Max थी, जिसमें लुक और डिजाइन वाइज आपको ज्यादा कंप्लेंट करने का मौका नहीं मिलेगा, पॉसिबली बिकॉज एप्पल हैज ऑलरेडी मैनेज टू गेट सो मच राइट। अपने प्रेडिसेसर्स की तरह ही इस बार भी मैकबुक प्रो देखने में बहुत ही क्लासी और एलिगेंट है, जिसकी बिल्ड क्वालिटी और फिनिश इसको एक हेड टर्नर डिवाइस बनाती है। डायमेंशंस की बात करें तो जहां इसकी थिकनेस है 0.61 इंचेस, वहीं विड्थ है 12.31 इंचेस और डेप्थ दी गई है 8.71 इंचेस। और हमेशा की तरह इस बार भी नए मैकबुक प्रो को इतने अच्छे तरीके से क्राफ्ट किया गया है, भले ही इसका मैजिक कीबोर्ड हो जिस पर आपको अमेजिंग ट्रैवल टाइम मिलता है, या फिर इसका ट्रैक पैड जो बड़ा होने के साथ साथ मल्टी टच जेस्चर्स भी सपोर्ट करता है, या फिर इसके पावर बटन में दिया गया रिलायबल टच आईडी सेंसर। लेकिन असली में मैकबुक में जो नया डिजाइन एलिमेंट देखने को मिलेगा वो है नए कलर स्पेस ब्लैक में, जो देखने में बेहतरीन लगता है। इस नए स्पेस ब्लैक कलर की खास बात एक और है कि इसे टच करने पर फिंगर या स्मज मार्क्स नहीं आते, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि यह कलर आपको सिर्फ M3 Pro और M3 Max प्रोसेसर वेरिएंट में ही अवेलेबल है। वो इस बार के डिस्प्ले में भी कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। यू गेट द एग्जैक्ट सेम लिक्विड रेटिना XDR डिस्प्ले, यहां तक कि HDR कंटेंट के लिए भी पीक ब्राइटनेस वही सेम 1600 nits मिलती है। हालांकि स्टैंडर्ड कंटेंट के लिए डे टू डे ब्राइटनेस अब 500 के बजाय 600 nits कर दी गई है। वही नंबर ऑफ पोर्ट्स और प्लेसमेंट्स में भी इस बार कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। मैकबुक प्रो M3 Max में आपको मिलते हैं 6 स्पीकर सिस्टम, जो मेरे हिसाब से अभी तक के किसी भी लैपटॉप में दिए गए बेस्ट साउंड सिस्टम है, जिसके लिए आपको अलग से हेडफोन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए अब बात करते हैं उस डिपार्टमेंट की विच हैज बिकम द टॉक ऑफ द टाउन, यानी द न्यू M3 चिप एंड इट्स परफॉर्मेंस। तो आपको बताते चलें कि इस बार की M3 लाइन को एप्पल ने 3 नैनोमीटर प्रोसेस पर बनाया गया है, जो 2020 से M1 के लॉन्च होने से अभी तक 5 नैनोमीटर प्रोसेस पर काम कर रहा था। लेकिन इस नए प्रोसेस की वजह से ये लैपटॉप ना सिर्फ लाइटनिंग फास्ट बन जाता है बल्कि पावर एफिशिएंट भी, और ये दुनिया का पहला 3 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर बेस्ड लैपटॉप भी बन जाता है। इस डिवाइस को यूज करते समय हमें ये रियलाइज हुआ कि इस चिप को ज्यादातर उन क्रिएटिव्स और प्रोफेशनल्स के लिए बनाया गया है जिनको काफी डिमांडिंग प्रोग्राम्स पर काम करना होता है। इनफैक्ट ये डिवाइस इतनी पावरफुल है कि आने वाले समय में हमें ये डिवाइस हेल्थ केयर जैसी फील्ड्स में भी इस्तेमाल होती दिखेगी। इस पर डेली टास्क काफी स्नैपी थे, वहीं रिसोर्स इंटेंसिव एप्लीकेशंस को भी ये लैपटॉप बहुत ही आसानी से हैंडल करता है। भले आप फाइनल कट प्रो पर एडिटिंग कर रहे हो, किसी ग्राफिक डिजाइन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, या फिर मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक साथ इस्तेमाल कर रहे हो, द M3 Max doesn't break a sweat। इनफैक्ट कुछ समय से एप्पल गेमिंग कैटेगरी को काफी सीरियसली ले रहा है, और ये हमने रिसेंटली M3 अनाउंसमेंट्स के दौरान भी सुना था। तो हमने भी जब इस लैपटॉप को गेम्स के लिए इस्तेमाल किया तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ओवरऑल एक्सपीरियंस वॉज बटरी स्मूथ। इनफैक्ट अगर आप इस पर PS5 डुअल शॉक कंट्रोलर कनेक्ट कर AAA गेम्स का मजा उठाना चाहेंगे तो दिस कैन बी अ फन पोर्टेबल गेमिंग एक्सपीरियंस। इनफैक्ट हमने इसकी रॉ परफॉर्मेंस को भी जब बेंचमार्क टेस्ट करना चाहा, द रिजल्ट्स वर एस्टोनिशिंग। टेक अ लुक। जब से एप्पल न्यू इंटेल चिप से अपनी सिलिकन चिप पर स्विच किया है, बैटरी परफॉर्मेंस के मामले में एप्पल को काफी अप्रिसिएशन मिली है, और इस बार भी एप्पल डिडंट फेल टू अमेज अस विद इट्स बैटरी परफॉर्मेंस। भले कुछ रिपोर्ट्स में 22 घंटे तक का क्लेम किया गया था, लेकिन हमारे इस्तेमाल करने पर पावर टेस्ट में कुल मिला के इस लैपटॉप पर इसने हमें लगभग 16 घंटे का बैकअप दिया, जो उन यूजर्स के लिए एक गेम चेंजर से कम नहीं है
who are constantly on the move. In conclusion, Apple MacBook Pro M3 Max laptop market में वाकई एक game changer device है, जिसमें आपको exceptional performance, elegant design और unparalleled battery life मिलती है। हालांकि इसका दाम भले ही कुछ लोगों को ज्यादा जरूर लगेगा, लेकिन अगर आप उस फील्ड में हैं जहां हाईएस्ट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस की जरूरत पड़ती है, जैसे कि एनिमेटर्स, डिजाइनर्स, आर्किटेक्ट्स, मल्टीमीडिया एडिटर्स, एआई डेवलपर्स, इस डिवाइस पर आप डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं।